जो आदमी समझता हूँ मैं उससे भी गरीब परिवार का लगता हूँ। मैं मेरे गांव में कोई घर नहीं था, मेरी कोई जमीन नहीं थी, मैं किराए के मकान में रहता था। मेरे पापा जी मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। पांचवी क्लास में मुझे याद है जब मैंने संभाला पहली क्लास में जब मैं था तो स्कूल में नंगे पांव जाया करता। पांचवी क्लास में मैंने रस्सी अखबार के लिफाफे बेच के अपना घर का खर्चा चलाने में हेल्प करना शुरू कर दिया था। आठवीं क्लास में मैंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था, नौकरी करना शुरू कर दिया था। ग्यारहवीं क्लास में मैं कराटे सिखाना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन जहाँ करता था उस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था, यानी पांचवी क्लास से ही मैं मेहनत कर रहा। जिस कॉलेज में मैं बच्चों को पढ़ाता था उसी कॉलेज के बच्चों को कराटे भी सिखाता था। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली सर्वाइव करने के लिए सुबह शाम बहुत मेहनत करता था। संगम विहार नाम की जगह आप सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग हमारे विहार के उधर हैं। संगम विहार में रसिया मार्ग में कैसे अकेडमी स्कूल में 3 साल तक मैंने बच्चों को कराटे सिखाए। हर रोज 14 किलोमीटर दूर साइकिल पे जाता था। इतनी मेहनत करने के बाद साथ में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं कामयाब होना चाहता था। मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ था कि पढ़ाई लिखाई इंसान को कामयाब कर देती है। हेलो, तो आपको एक बात बताइए, क्या सिलेंडर जी से ज्यादा पढ़ा लिखे लोग यहाँ है? नहीं क्या? लेकिन कामयाब तो सिलेंडर जी है। हेलो, ऐसा क्यों होता है कि एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो डॉक्टरेट पीएचडी एमबीए और इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी अप्लाई करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? हेलो, क्या एमबीए और इंजीनियरिंग या पीएचडी या डॉक्टरेट या मैनेजमेंट उनके माँ बाप ने चपरासी बनाने के लिए की थी? हेलो, नो। या उस लड़के ने चपरासी बनाने के लिए की थी? लेकिन मजे की बात क्या है कि उसमें भी सारे बनते नहीं है, बनते है क्या? और अगर कोई गलती से बन गया तो लड्डू बात, मैं चपरासी बन गया, मैं चपरासी बन गया। यस और नो? यस। ये आलम है भाई, सच्चाई तो है ये। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये दैट इज द रियलिटी। लेकिन इस दुनिया के अंदर ये एक यूनिक अजूबा है ये बिजनेस, और ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये मैंने समझा 8 फरवरी 2000 को, ज्यादा कुछ नहीं समझा था, छोटी सी चीज समझ में आई थी जो मैंने उस भाई को समझाई। जी भी इस बिजनेस में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर फायदा हो गया तो हेलो, तो इतना हो सकता कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे अप्लाई में ये कहा था कि विजय, अगर इस बिजनेस को आप शिद्दत से करते हो तो आने वाले कुछ समय के बाद आपके पास कार होगी। मेरे को हंसी आई थी, जिस खानदान में नया साइकिल नहीं खरीदा किसी ने, हेलो, मैंने किस्तों में खरीदा था, मतलब नया साइकिल एक मुश्त लेने की हिम्मत नहीं थी हमारे परिवार की। जिस खानदान में नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदा आज तक, वो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा था। हेलो, वहां मेरे को कहा जाता है कि कार जिसके परिवार में आज तक 4 पहिए के 4 चक्का वाहन के बारे में सोचा भी ना, उसको कहा जा रहा है कि आपके पास कार आएगी। तो हंसी तो बड़ी आई थी कि ऐसे ही फेंक रहे हैं जुमले। लेकिन धीरे धीरे मेरे को इस बिजनेस की पावर समझ में आई, और मुझे याद है कि 1.5 साल बाद जब इस बिजनेस से मैंने नया मोटरसाइकिल खरीदा तो ये मेरे खानदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। मेरे खानदान में किसी ने नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदा था, मैंने खरीदा था। तो मुझे इस बिजनेस की पावर समझ में आई। उसके एक मैं 1 साल के बाद इस बिजनेस से 4 चक्का गाड़ी भी आई, सेकेंड हैंड खरीदी थी, हालांकि मारुति 865,000 रुपए की खरीदी थी, ज्यादा महंगी नहीं खरीदी, लेकिन आई तो। हेलो, यस यस, बड़ी खुशी हुई। आज भी मैंने बेची नहीं है, आज भी मेरे पास है, क्योंकि उस गाड़ी ने इंडिया के टॉप अचीवर भी बनाए। हेलो, क्योंकि वो गाड़ी सुरेंद्र जी के पास भी रही है। हेलो, उसके बाद उस गाड़ी ने मेरे को बनाया, उसके बाद उस गाड़ी ने एक स्टार एम्ब्रॉयडर पैदा किया, उसको दिया। अभी तो कहते ऐसे ही है, अभी जिसको चाहिए आर्थिंग के लिए यूज करो, लेकिन बेचूंगा नहीं। तो वो रखी हुई है, उसके बाद गाड़ियों की लाइन लग गई है ना भाई। आज पोजिशन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको संभावना बता रहा हूँ कि आप कहीं भी हो और वहां तक पहुंच सकते हो। आज इस बिजनेस की वजह से आज जहां मैंने कार के बारे में सोचा नहीं था, आज मेरे परिवार के हर सदस्य के पास अपनी अपनी अलग अलग कार है। हेलो, मेरी पत्नी के पास अलग कार है, मेरे बाबा जी के पास अलग कार है, मेरे भाई के पास अलग कार है, मेरी बहन के पास अलग कार है, बड़े बहन के पास अलग कार है, और मेरे पास अलग कार है। हेलो, और एक आध चोरी होगी मदद से। हेलो, एक आध चोरों के पास भी है, चोरी भी मेरी है। यस, घर कोई नहीं था मेरा। इस बिजनेस की वजह से आज अलग अलग शहरों में मेरे लगभग मेरे कहने 5-6 बुजुर्ग होंगे, काम करने पड़ेंगे। हेलो,
कई बार भूल जाता हूँ। अभी मैंने दो घर नए खरीदे गुड़गांव में, और जब वो खरीदे तो वो महंगे थे, उनके लिए जैसे लोन करवाना पड़ा उसने, उसे लोन करवाया तो मेरी नेटवर्क बनाई गई जो मेरा सीए था वो बना रहा था। तो बोले कि आप बताओ आपके प्लॉट कहाँ पे है, घर कहाँ पे है, तो मैं बताता बताता कंप्लीट कर दिया। उसके बाद घर जाने के बाद एक याद आया, हाँ एक वहाँ भी है सर, हेलो सर के ये पोजीशन आ गई है। और ये आपको बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, कई लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। हेलो आज मैं इस घर में रहता हूँ, मेरी मर्जी होती है, मैं रहता हूँ मेरी मर्जी होती है, मैं रहता हूँ मेरी मर्जी होती है, मैं रहता हूँ। और इसी महीने की 3 तारीख को दो दिन के टाइम पे हम एक नया घर और बदलने जा रहे हैं। हेलो उन्होंने गाँव के जितना बड़ा ये हाल है इससे बड़ा मीटिंग हॉल बनाया। हेलो उसके ऊपर का रहने का बनाया, उसके ऊपर गेस्ट हाउस बनाया, उसके ऊपर स्विमिंग पूल बनवाया। हेलो और वो आदमी भी वो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कामदेव जी, वो उसको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत गरीब परिवार का लड़का था। वो फोटोग्राफी की नौकरी करता था, जब उसकी शादी हुई उसको बच्चा पैदा हुआ तो उसको दूध पिलाने के पैसे भी होते थे, वो रोता था पैसे मांगने के लिए जाता था, पैसे भी नहीं मिलते थे उसको। मैंने वो समय देखा है और उसको मैंने कहा कि भाई यहाँ कर ले, ये बहुत बढ़िया जिंदगी बदल देगा। और ऐसी बदली गुहाना में उससे बढ़िया बंगला किसी के पास नहीं। ये बोलता है कि अभी राजो लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, पहले आम लोगों को आने दो, बाद में साथ आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है अमिताभ बच्चन सरकार को आर्थिक समझ में आ गया है, अभी राजाओं को भी समझ में आने लग गया, लेकिन उससे पहले ग्राउंड लेवल पे काम करो, हर घर तक आप पहुंचा दो ताकि बाकी लोग आए वो आपके लिए काम करें। तैयार है? तैयार है। इसमें मैं बहुत बड़ी भुगत है, मैं एक गरीब इंसान यहाँ तक अगर पहुंच सकता हूँ तो यहाँ बैठा हुआ हर शख्स यहाँ तक पहुंच सकता है। मैं भी लीडरशिप पे आया था, मैं भी रॉयल्टी पे आया था, मैं भी वाइकल बना था, मैं भी लीडरशिप पे आया था, उसके बाद मैं भी रॉयल्टी पे बना, रॉयल्टी पे जब बना तो मोटरसाइकिल था मेरे पास, बड़ी मेहनत करता था, स्टार प्लेटिनम बना था मैं। उस जमाने में कपड़ा और कम प्रोडक्ट होते थे तो इसलिए लेकिन संजय जी पिछले महीने क्वालीफाई कर चुके, इस बार इतने टेक्निकल भी पिन लेके रहेंगे दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। हेलो और संजय जी हमारे बीच में, उनकी उम्र देखिए सर 18-20 साल का जवान व्यक्ति है। हेलो समझे आप सभी लोग, इस उम्र में इनकी एनर्जी देख के अच्छे अच्छे कारण इसके बच्चे समान है, इतनी एनर्जी से काम करते हैं, मैं खुद बड़ा ही मोटिवेट होता हूँ। जब ये कर सकते हैं तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप बाल में कहना मानना चाहिए कि इस उम्र में इतना बढ़िया धंधा होने के बाद, चलो मैं तो ठीक अपनी गरीबी के बारे में बता रहा हूँ, मैंने क्यों बताया अपनी गरीबी के बारे में ताकि आपके दिमाग में आए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये सब इनके बाद तो दुनिया भर के काम थे, लेकिन इनको पता चला कि वो सारे काम उनको वो चाहिए नहीं दे सकते जो आपसे मिलने दे सकता है। तो एक बार संजय जी से मैं चाहूंगा कुछ बताया आपको, जाना चाहते हैं नए साल प्लेटिनम अचीवर नहीं है, ये नए टेक्निकल क्वालिफायर, और भी बड़े टेक्निकल क्वालिफायर तो हो चुका
दो व्यक्तियां हमारे बीच में संजय जी हैं और अवधेश जी हैं जो नए टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके लेकिन अभी टेक्निकल बने नहीं है, इस महीने 100% इंक्लूजन होगी, क्वालिफिकेशन होगी, पास हो चुके हैं, डिग्री नहीं आई है। तो ये लोग हमारे बीच में और मैं भी इसी तरीके से टेक्निकल क्वालिफाई किया था मैंने, और भाई साहब मैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन में चल रहा था तो लास्ट महीना जब मेरा था उस समय मैंने कार ली थी, इसके बाद तो होगी पहले ही, मैंने उस महीने कार ली थी सिर्फ 65,000 की सेकंड हैंड मारुति कार, ताकि मैं दिन रात एक कर दूं, ताकि बारिश में भी जाऊं तो मोटरसाइकिल पे बिगुना एक कार होनी चाहिए, इसलिए मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी। और उसके बाद अगले महीने में टेक्निकल अचीवर बन गया था। हेलो, तो हमारे बीच में अवधेश जी है, हमारे बीच में संजय जी है, तो दोनों से हम जानेंगे जिनको कैसा लगा है और इस महीने का कैसा गए अवधेश जी। जय आपियर, जय आपियर। मेरा नाम मुकेश कुमार, पटना सिटी का रहने वाला और आज नियम बिजनेस से पहले सिटी से भी लॉकर और आज आपियर का एक टेक्निकल क्वालिफायर। ये टेक्निकल क्वालिफाई करके जैसा हुआ कैसा लग रहा है तो लगने का क्या है, लगने का बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस महीने का टारगेट है कि अपने डाउनलाइन में दोनों साइड में कम से कम दो दो रॉयल्टी अचीवर लाना। और बाकी हम लोग सबको सुनने आए हैं, विशेष बात फिर अगले सेशन में हम लोग करेंगे, ताकि जो आज प्रोग्राम हो रहा उससे हम लोग कुछ ठीक करके इस महीने का जो हम लोग का टारगेट है वो पूरा करें। थैंक यू। अब देश जी को कितनी खुशी हो रही है, मैं उसी चीज के अंदर नारे लगाता हूँ जो मुझे हुई थी। मुझे याद है एकेडमी में आ जाता बहुत अपना झेलना पड़ता है, इन्होंने भी बहुत झेला होगा, बहुत बार मुझे याद है कि रोटी नहीं मिलती थी, बाहर चढ़ने भागे या सतू के लिए गुजारा करना पड़ जाता था, लेकिन डेडिकेशन ये होता था कि बनना है। हेलो, लेकिन जब टेक्निकल बन जाते हैं तब खुशी आती है, जब इनकम 40,000 पार होती है। हेलो, आप सब लोग, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष है ना वो इनका वो संघर्ष आपको करना है तब जाके आप यहाँ पे पहुंच सके। और गरीब जी मेरे प्रिय मेरी वोट लिस्ट में है, मेरे प्रिय व्यक्तियों में से एक है और मैं इनकी वर्किंग पे पूरा केंद्र जी से मौके पर बात करता रहता हूँ। और ये टेक्निकल हुए तो एक बार मैंने कॉल किया था और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी इन्होंने बोला कि दो रॉयल्टी इनकी टीम में जरूर होंगे, तो होंगे दुनिया की कोई बात नहीं होती, दोनों ग्रुपों में एक बार जोरदार हो तो संजय जी हमारे बीच में और इनसे भी आप जानेंगे इनको कैसा लग रहा है। और ये एक एग्जाम्पल है जिनके बाद सब कुछ होते हुए भी बिजनेस ग्रुप को टारगेट लेके काम किया और आज अपने बेटे को भी यही विजन के साथ काम कर रहे हैं कि बेटा नौकर नहीं बना दे मालिक बनना है। हेलो, यस संजय जी। हेलो, मेरा नाम संजय कुमार, रहने वाला गया जिला तपोवन के पहले मेरा गांव अलग पड़ता है और हकीकत यही है कि मैं पहले से बिजनेस में रहा हूँ। अपनी पढ़ाई की फाइल समाप्त करने के बाद डिप्लोमा लाइसेंस है, डिग्री लाइसेंस है, मेरे पास किराने की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, मेडिकल हो मैं पहले से चला रहा था। इसके साथ साथ चूरी मोबाइल का युग आया, मेरे पास आइडिया का एजेंसी प्रखंड मोड़ा था, अधिकतर प्रखंड मैंने लिया, मैं बच्चों से बिजनेस लाइन लेता। लेकिन सर दोस्त यही है कि मेरे अपलाइन जो मेरे पास उस दिन आए थे चल करके राम रतन सर इसी हॉल में बैठे हुए हैं, उन्होंने आकर के जो मेरे को बताया था तो सच ये है कि मेरे को ये समझ में आया कि ये परिचित लोग हैं, इनको दिल मत उठा जाए, इनके कम से कम 1,000-1,500 का सामान ले लेना चाहिए, ये चीज मेरे लिए नहीं है इनके लिए है, ये समझ के मैंने आई लगा दी थी। लेकिन वो 3 जनवरी 2017 का वो दिन न भूला हुआ जीवन में कभी भूलूंगा। 3 जनवरी 2017 नवादा के एक मनोरम भवन में इसी ढंग का सेमिनार चल रहा था। उस दिन जब मैं उस हॉल में गया और मेरा विजन उस समय क्लियर हो गया और आज 3 जनवरी 2017 समय चल करके लगभग 25 महीने होने जा रहे हैं और मैं न्यू टेक्निकल आपके सामने खड़ा हूँ। कहाँ कैसे पहुंचे ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखेंगे तो क्या
तो ये बिजनेस फैमिली का बिजनेस है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि व्यापार मेरे को ये भी करना है, वो व्यापार मेरी धीरे धीरे बंद होती नजर आ रही है, कमती नजर आ रही है, तो मैं जब शुरू किया तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका भी व्यापार तेजी से बढ़ेगा जब आप अपना फैमिली के साथ चलना शुरू करेंगे। मेरे सर भी जानते हैं, रतन सर भी जानते हैं कि जब भी मैं यही जाता हूँ, जब भी मैं किसी बिल्डिंग में जाता हूँ, चाहे शेखपुरा में हो, गया में हो, मैं अपनी फैमिली के लेके जाता हूँ। मेरी पत्नी आज भी इस हॉल में बैठी हुई है, आप भी पावर ले जा रही है, मेरे बच्चे भी हॉल में बैठे हुए हैं। तो एक बार बुलवा लीजिए सर, बुलवा लीजिए, आ जाइए आप लोग, बुलवा लीजिए। लेकिन इस व्यापार की ताकत को मैंने समझा और उस दिन तो मेरी ताकत पूरा समझ में आ गया जब साहब एक
उसको भी बताया कि जिंदगी के किसी भी पायदान पे किसी भी स्टेज पे आप हो वहां से किसी भी स्टेज पे आप जाना चाहते हो यही वो किस्मत है जो आपको ऊंचाई के लिए जाना आप क्या हो ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हो ये महत्वपूर्ण है और ये किस्मत आपको ले लेके जा सकता है। तैयार है? तैयार है। अभी तो शुरू नहीं हुआ है। हेलो कई मेरे सीनियर साथी के बात सुनते मेरे को बीच बात में कहते हैं कि सर ये बात तो आप 10 साल पहले भी बोलते थे। तो मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, आपके 25 साल बाद मेरा प्रोग्राम होगा। हेलो आपके 25 साल बाद मेरा प्रोग्राम होगा बुरा नहीं होने वाला है। आपको मैं प्रोडक्ट खाता हूँ। मेरी उम्र के जितने भी मेरे साथी थे जो मेरे साथ पढ़ते थे सब बूढ़े हो चुके हैं। मैं एक जवान होता जा रहा हूँ। आपसे खा रहा हूँ और ये भी है मैं आपको बताता हूँ और ये सारे लोग मेरे को कहते रहते हैं ये आपसे साइंस ही रहती है जिंदगी वर्तमान है। तो 25 साल बाद भी मेरा प्रोग्राम होगा और 25 साल बाद भी मैं अभी ये बिजनेस शुरू भी हुआ। और ध्यान रखना मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी आपको कि संभल जाओ अभी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। हेलो ये जा जाएगी
बता रहा है कि जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो डायरेक्ट सीटिंग करने के लिए। हेलो इतना बड़ा कोई सिंदर्टी का है 70 साल से लोग प्लान दे रहे हैं और भारत में ये इंडस्ट्री मात्र 2 साल पुरानी है। हेलो अब आप सोचोगे यार 2 साल पुरानी कैसे है, 17-18 साल तो आप लोग क्योंकि 10 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने माना है कि हेलो इससे पहले तो गवर्नमेंट मानती नहीं थी, तो जब गवर्नमेंट ने माना हम तो वहीं से काम करेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट 70 साल पहले मान चुकी है, हमारी गवर्नमेंट 2 साल पहले माननी है। हेलो चलो मानने को छोड़ दो, 20 साल से हिंदुस्तान में प्लान दिखाया जाता है सर। 20 साल से पहले भारत में कोई नहीं जानता था कि इस रस्ते की बजाय इस रस्ते से भी व्यापार किया जा सकता है। सिर्फ 20 साल पहले यहाँ भारत में अमेरिका की एक कंपनी ने आके काम शुरू किया और समझाना शुरू किया कि भाई कहाँ हो, दुनिया चांद पे पहुंची, आप अभी तक आपस में जाति धर्म से लड़ रहे हो। हेलो तो उन्होंने बताया कि अभी इस दुनिया के अंदर दुनिया चांद पे पहुंच गई है, डायरेक्ट लाइन में आ गई है, कहाँ बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हो। ये अमेरिका की कंपनी ने आके हिंदुस्तान में समझाया। उसके बाद भारत के अंदर बहुत सी कंपनियां भी आई, आज 3 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड है, पता है आप लोगों को? यस 3 लाख, आप तो मुश्किल से 1-2 को जानते होंगे। 3 लाख का रजिस्ट्रेशन है, छोटी बड़ी मिला के। लेकिन मजे की बात यह है कि आज जो उन सबकी बाप है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि DADWA का मैं वाइस प्रेसिडेंट पार्ट की ओर से, जिसकी वजह से मुझे नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग में बैठने का मौका मिलता है जहाँ मुझे डाटा पता चलता है। और ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का 2013 का डाटा बता रहा हूँ, और 2013 के बाद और 2018 आ चुका, फिर भी ये डाटा एज की चीज है, एज की चीज है। 70 साल पहले सॉरी अमेरिका में शुरू हुआ और आज अमेरिका में 18% बिजनेस किस रस्ते की बजाय इस रस्ते से होता है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि 18% लोग डायरेक्ट सेलिंग में। हेलो कुछ भी यानी कि परसेंटेज भागीदारी जो है 18% की है। सेकंड नंबर पे आपका पड़ोसी है भारत में है चाइना, 13% बिजनेस इस रस्ते की बजाय अगर 100% अगर 100 रुपए का बिजनेस यहाँ से होता है तो उसमें से 13 रुपए का यहाँ से होता है, बहुत कम है। और इन दोनों देशों में भी यही कहा जाता है कि अभी ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हुआ ही कितना है, सिर्फ 18% लोग ही तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया का नंबर वन देश। और भारत की पोजीशन अगर आप जानोगे तो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th पे रशिया 2% की भागीदारी, और भारत यहाँ भी नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, 136वें नंबर पे है, मात्र 0.00002%, आधा परसेंट भी नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ भाई अभी ये बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ। हेलो नहीं बहुत गलत हो, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भारत में इतना बिजनेस भी नहीं है। आप खुद देखो आपका क्या है, बिहार शरीफ में चाय कितने रुपए की पी जाती होगी, करोड़ों रुपए की चाय पी जाती होगी, आपके टोटल बिहार में करोड़ों रुपए की चाय एक महीने में पी जाती होगी। अब ईमानदारी से बताना उस करोड़ों रुपए की चाय में से जो पी जाती है हर महीने आखिर की कितने रुपए की पी जाती है एक महीने? कुछ हजार की। और ये पता कर सकते हो कैसे? जितने पिकअप सेंटर होंगे सेल से पता चल जाएगा चाय की सेल कितनी हो। तो इसका मतलब बिजनेस तो हुआ ही नहीं अभी। तो क्या जो करोड़ों की चाय ली जाती है वो तो बेवकूफ नहीं है, उनको बता नहीं है अभी, वो डुप्लीकेट पी रहे हैं, महंगी पी रहे हैं, पैसा लेके जाने वाली पी रहे हैं, घर को बर्बाद करने वाली पी रहे हैं। जिस दिन उनको आप जैसा कोई समझाने वाला व्यक्ति मिल गया कि नहीं सबसे बढ़िया सबसे सस्ती ओरिजिनल और पैसे लेके आने वाली चाय भी है मार्केट में, उनमें से करोड़ों रुपए की जो चाय पी जाती है उनमें से 1% भी बिजनेस नहीं हुआ है अभी। तो इसका मतलब यहाँ बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है। सच्चाई तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान की यही दशा है,
अभी बात में बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंसानों को ग्राम दिखाया जा रहा है और इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एक दूसरे से समझ नहीं आती। 15 अगस्त 1947 को हम मनाते हैं, मनाते हैं ना, क्या दुख का दिन है? हेलो, क्यों मनाते हैं? दुखी का दिन है, आजाद हुआ था। अरे उस आजादी के लिए जो लोग प्लान दिखाते हुए फिरते थे वो सारे बेवकूफ पागल और सिपड़े कहे जाते थे, पता है लोगों को? उनकी सुनते नहीं थे लोग, लोगों को आजादी समझ में नहीं आती थी उस जमाने में, 200 साल लगे समझने में। हेलो, प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन 200 साल लगे, हमें तो सिर्फ 20 साल गए। हेलो, समझे आप सुन लो, जिस देश में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, मेरी राजधानी का से 2-3 महीने पहले 2 नंबर वेटिंग था, मैं सोच रहा था आसानी से हो गया, 1 हो जाएगा, 1 नंबर पे आ गया ना क्या? मेरे को एक बात बताइए, जिस ट्रेन में आसानी से रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये ट्रेन जब नई नई आई थी इसमें लोग चढ़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, प्लान दिखाया जाता था कि देखो कुत्ते बिल्ली बंदरों और भेड़ बकरियों को चढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था, देखो 2 लाइनों में तो चलती है लेकिन खींचने की नहीं, चिंता मत करो। हेलो, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कुछ बेड़कुलियों की तरह चलते चलते हैं। हेलो, यही टाइम लगा। सरकारी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी एक समय में लेकिन लोग लेना नहीं चाहते थे। हेलो, बताया आप लोगों को पूछना, हमारे बड़े बुजुर्ग खेतों में काम कर, लेकिन आज चपरासी की नौकरी भी मिलती है तो लड्डू बात है, समझ में आएगी ये गैस सिलेंडर बहुत मुश्किल से समझ में आया, बिजली बहुत मुश्किल से समझ में आई, तो बिजनेस भी बहुत मुश्किल से समझ में आएगा लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि इंसानों की आदत है, इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से समझ में आती नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जो करते हैं अपने लिए बड़े बड़े तैयार हो नहीं कर सकते आप नहीं देता। आपको ये बात समझनी चाहिए, आप जितने लोग यहाँ पे रहते हो आप सारे लोग योद्धा हो, क्रांतिकारी हो, आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, आपको यहाँ भगवान ने इसलिए नहीं बिठाया कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए, बल्कि इसलिए बिठाया है आपके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो। हेलो, इसलिए आपको तैयार होना है, लोगों को जरूर है एक्स्ट्रा इनकम की, लोगों को जरूर है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, लोगों को जरूर है आस्थिंग की, लोगों को जरूर है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, लोगों को जरूर है लेकिन बेचारों को पता नहीं है कि मिलेंगे कहां से। आप सब लोगों को बताने वाला बनना है, तैयार हैं? यस, तैयार हैं। यस, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि आप बताने वाले तो बन जाओगे लेकिन इंसानों को बताओगे, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए, इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आता। हेलो, अगर आपको कोई आदमी समझे किसी बात को आप समझाते हो और वो आदमी आपको मना करता है तो समझ जाना इंसान है। हेलो, कहने की काम आता है तो बैठ, अदरवाइज नहीं। अरे 100 करोड़ है यार, खत्म हो जाएंगे क्या? हर रोज हजारों लोगों को भी दिखाओगे तो भी खत्म नहीं होने वाले। हेलो, और अमेरिका तो दुनिया का नंबर 1 देश है ना, यहाँ भी दूसरे लोग हैं। मैं डाटा बताऊं भारत का और इनकी जनसंख्या तो आप हैरान रह जाओगे, हमारे भारत के एक राज्य यूपी से भी कम लोग हैं अमेरिका में, फिर भी ये नंबर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को तो सिर्फ बिहार भी पीछे छोड़ सकता है, यानी टोटल बिहार की जितनी आबादी है लगभग इतनी आबादी टोटल अमेरिका की है और वो दुनिया का नंबर 1 है, तो दुनिया का नंबर 1 तो भारत को तो छोड़ो, अकेला बिहार बन सकता है, इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। मैं एक्चुअल आपको डाटा पेश कर रहा हूँ, काम तो आपको करना है, समझ गए आप सभी लोग? मैं मतलब गदगद हूं ये चीज जान के कि यार इतना बड़ा स्कोप है।